हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। सोनीपत जिले के राय विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार का विरोध होना शुरू हो गया है। यहाँ इलाके में जगह जगह बाहरी उम्मीदवारों की दावेदारी को नकारने के पोस्टर लगने शुरू हो गए। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ बेहद करीब से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के निगरानी समिति के चेयरमैन सुनील सिंह चौहान ने बताया कि यहाँ पार्टी में गद्दारी करने वाले नेताओं को जनता कभी पसंद नहीं करती, इसलिए इनका विरोध करना लाजमी है। जानकारी दें कि इलाके के लोग सुनील सिंह चौहान को समर्थन दे रहे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा को भी यहां के लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। हर पब्लिक जो कहीं भी आप पूछेंगे सबको पता है कि गद्दारी किसने की है, और जो गद्दार है पार्टी हमारी बीजेपी है। अगर हम मोदी जी को एक सीट भी कम रह जाती तो हमारी सरकार नहीं बनती। ऐसे में किसी ने भी अगर कहीं भी गद्दारी की है तो उसको टिकट नहीं देना चाहिए पार्टी को, और भ्रष्टाचार का आरोप जिसके ऊपर हो उसको भी टिकट नहीं देना चाहिए। भ्रष्टाचारी, भारी और गद्दार, ये जो आरोप किसी के ऊपर भी लगते हैं, मैं मानता हूँ किसी भी दल को ऐसे आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए। अब मैं ये पोस्टर देखे, मैंने जो सुनील चौहान ने लगाए हुए है, ये निगरानी कमेटी का चेयरमैन सुनील चौहान ने पूरे राय एक क्षेत्र में लगाए पोस्टर, बाहरी कैंडिडेट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बाहरी कैंडिडेट को पहले भी जो ये कैंडिडेट मेरे सामने पिछले इलेक्शन में भी 2014 के में भी मेरे सामने था, तब भी लोगों ने इसको नकार दिया था। मेरे ये तीसरे नंबर पे था फाइट में भी, और जो ये सुनील जी का, हम कम से कम सुनील जी ने ये एहसास तो किया आगे बीजेपी की सरकार हमेशा बाहर से कैंडिडेट जाके खड़ा कर देती है, ये कम और कैंडिडेटों की जो असली कार्यकर्ता है उनकी भावना की कोई कदर नहीं करती। हम सुनील की बात को ठीक मानते हैं, सुनील ने कम से कम अपना एहसास तो करवाया, जैसा उसका पद है पद के अनुसार उसने काम भी किया है। जाकर देखा जाए कि वे किसको पसंद करते हैं, वो काम ना हो जाए और लोग दोबारा वो हाँ हल्ला ना के जाए, और जिससे पार्टी को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। पिछली बार 46 सीट आई थी, कहीं वे 20 ना रह जाए, मैं ये कहता हूँ। इसलिए मैं बीजेपी सरकार के साथ हूँ, लेकिन उन्होंने पार्टी जो टिकट देगी उसमें थोड़ा अच्छी तरह उसकी छानबीन करके टिकट दे, किसी स्थानीय और अच्छे और ईमानदार नेता को टिकट दे, जिससे लोगों में विद्रोह ना हो और पिछली बार की तरह इसका फायदा कोई दूसरी पार्टी ना ले जाए, जैसे पिछली बार ले ली थी। इसलिए पार्टी को कोई अच्छे और मजबूत नेता को टिकट दिए, जो स्थानीय और अच्छा नेता। 18 अगस्त से यात्रा शुरू की है और मैं चाहता हूं कि इस यात्रा में हमारे जनता का सारा आशीर्वाद उनको दे। अब की बार 75 पार का नारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे राय विधानसभा से मैं ऐसे नेता को चाहता हूँ कि जो हमारी हर प्रॉब्लम में हमें सोल्व करे, हमारी सॉर्ट आउट करे। प्रॉब्लम जो हमारी गली का हो, हमारे राय विधानसभा का हो, जो हमारे दुख दर्द में हर बार खड़ा मिले। नहीं कि ऐसे नेताओं को जो सिर्फ वोट मांगने घर पे आते हैं और वोट देने के बाद जाते हैं, सर हमारा ये ऐसा ऐसा हुआ है, वो कह देते हैं कि करेंगे ऐसे ही करते रहते हैं। सर अब की बार मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में ऐसा नेता खड़ा हो, हमारे राय हल्के का, विधानसभा का हो, जो हमारी हर प्रॉब्लम को सोल्व करे और हमें आगे मार्गदर्शन दिखाए।